आप देख रहे हैं सियासत। प्रदेश का सियासी अंदाज दिगर सूबों से काफी अलहदा है। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद प्रजातंत्र के अस्तित्व में आने से लेकर आज तक सियासत सिर्फ दो पार्टियों तक सिमट कर रह गई है। प्रदेश में राजनीति के कई कद्दावर राजनेता हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया है। प्रदेश की एक ऐसी ही सशक्त और प्रभावशाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके नेता और कार्यकर्ताओं ने संघर्ष से लेकर सफलता तक एक लंबा सफर तय किया है। प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे ही जमीन से जुड़े, जनता की नब्ज पहचानने वाले और सियासी रसूख रखने वाले जननेता नरोत्तम मिश्रा हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सियासत। आइए आज नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सियासी सफर पर। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर राजनेता नरोत्तम मिश्रा ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह ही की थी। पार्टी के प्रति निष्ठा, समर्पण और त्याग की वजह से उन्होंने जल्द ही उसमें एक अहम जगह बना ली। नरोत्तम मिश्रा का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 15 अप्रैल 1960 को हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर शिवदत्त मिश्रा है। एमए पीएचडी कर चुके नरोत्तम मिश्रा ने राजनीति के दांवपेच कॉलेज के दिनों में सीखे। 1977 से 78 में उन्होंने सियासी अखाड़े में कदम रखा तो फिर कभी पलट कर नहीं देखा और लगातार सियासत में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। जीवाजी विश्वविद्यालय में वह छात्र संघ के सचिव चुने गए और उसके बाद 1980 में उनको मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रांतीय कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया। 1985 से 1987 में नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश भाजपा की प्रांतीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। 1990 में पहली बार डबरा विधानसभा से नरोत्तम मिश्रा विधायक बने और इसके बाद 1998 में दूसरी बार, 2003 में तीसरी बार, 2008 में चौथी और साल 2013 में पांचवी बार और 2018 में छठी बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1990 से 2008 तक डबरा से और डबरा सीट के आरक्षित होने पर 2013 और 2018 में वह दतिया सीट से विधानसभा में पहुंचे। 2005 में उनको पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया। 2005 को शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा जताते हुए उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। नरोत्तम मिश्रा के पास फिलहाल गृह मंत्रालय का जिम्मा है और उनकी गिनती प्रदेश के कद्दावर और रसूखदार नेताओं में की जाती है। प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने का श्रेय नरोत्तम मिश्रा को दिया जाता है। उनकी कूटनीति, रणनीति और राजनीति के चलते कांग्रेस की लंबे समय के बाद बनी सरकार के हौसले पस्त हो गए और कुछ ही समय में उनको सत्ता गंवानी पड़ी। नरोत्तम मिश्रा को प्रदेश की शिवराज सरकार का संकट मोचन भी कहा जाता है। संगठन में उनकी काबिलियत और कौशल को खास तवज्जो दी जाती है और उनकी सेवाएं देश के दूसरे हिस्सों में भी ली जाती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको कानपुर सीट को जिताने का जिम्मा सौंपा गया था, क्योंकि कानपुर ब्राह्मण बहुल इलाका है और वहां पर मुरली मनोहर जोशी की जगह सत्यदेव पचौरी को मैदान में उतारा था। अपनी इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया और जीत भाजपा की झोली में डाल दी। ऐसे ही दिलचस्प सियासी कहानियों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम सियासत। आप देख रहे हैं सियासत।